बात हैदर जी, चूंकि हम लोग देख रहे हैं, हालांकि सभी पार्टियों का अधिकार है भाई अपनी अपनी यात्रा निकालें, अपने अपने दावे करें, मौजूदा सरकार की खामियां नाकामियां बताएं, लेकिन जिस तरह से विजय रथ यात्रा निकाली जा रही है, मानो ये मान के चल रहे हैं कि विजय समाजवादी पार्टी की होनी है, कांग्रेस पार्टी का आकलन भी उसके बीच में कहीं नहीं है। आपका एक रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा। आयुष जी, मुझे ये तो नहीं पता कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद किस पार्टी को है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल चुका है। और उसकी एक वजह है, वो ये है कि जब ये बड़े बड़े नेता अपने घरों में एसी में बैठे थे, तो प्रियंका गांधी जी आधी रात को भीगती हुई उन किसानों का दुख, उनके आंसू पोंछने के लिए लखनऊ से निकली। और एक ये घटना सिर्फ लखीमपुर की नहीं है, चाहे वो हाथरस रहा हो, चाहे सोनभद्र रहा हो, चाहे कहीं भी रहा हो उत्तर प्रदेश में, हमेशा जो जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को दबाया, उनसे जुल्म ज्यादती करी, अगर उनके आंसू पोंछने के लिए कोई नेता कोई पार्टी खड़ी रही, तो वो प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। आज क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए अगर कोई पार्टी सबसे मजबूत है तो वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश हो। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकता है, उन्हें हटा सकता है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर कर दिए। चाहे आप देख ले, बेरोजगारी हो, 2 करोड़ युवा बेरोजगार ठहर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कोई रोजगार नहीं दे पाइए, किसान अपना हक मांग रहे हैं, उनको उनका हक नहीं दे पाइए। और क्या उत्तर प्रदेश की जो पार्टियां हैं, क्या वो उत्तर प्रदेश ये विषय ही है? ये विषय है, आप ही का विषय है, आपकी यात्रा का यही तो विषय है, और क्या विषय है? तो कानून व्यवस्था बिगड़ी उत्तर प्रदेश की, ये विषय नहीं है आपका, तो किस विषय पे आप बात करना चाहते हैं?